वेलकम बैक टू ब्ले चर आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल हेल्थी हैप्पी सी वी इन साउंड सो गाइज आज की रीडिंग है यूर फुल प्रोडिक्शन मैरिज प्रोडिक्शन ओके हाउ वैन हो या एनी हर्ड कुछ चीज़ें जो आपको हील करनी है या क्या प्रॉब्लम्स uh, आ रही है या क्या सिचुएशन है ओके आई विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग एंड आपको आपका पायल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ करना है बट मंथ है ओके पायल वन एंड पायल नंबर टू पायल वन में है सेप्टेम्बर मई जनवरी जून जुलाई फेबररी पायल नंबर टू में है मार्च अक्टूबर अप्रैल अगस्त नवंबर एंड दिसंबर राइट सो जो लोग इन ग्रुप चूज़ करते हैं आपके पास आज दो जेम स्टोन्स हैं पायल नंबर वन दिस इज़ सिट्रीन एंड पायल नंबर टू

so welcome pile number one let's see what is coming up for your connection uh, what is there for you guys marriage uh, and uh, all about your marriage predictions let's see what is coming up for this connection so let's see what is there for you guys okay you're getting eight of wands first of all and nine of swords eight of wands and nine of swords and you're getting seven of pentacles and emperor वेल दिस एनर्जी इज़ अबाउट फाइल नंबर वन आ पर्सन ठीक है जिसको लेकर के अब बहुत ही ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है आपको बहुत ज़्यादा उसको लेकर के डिसपॉइंटेड हैं बिकॉज दिस पर्सन इज सम जो आई थिंक आपकी एज से भी काफ़ी बड़े हैं और कुछ लोगों के केस में आपको इनका बिल्कुल पता नहीं है और ये आपको फ्यूचर में आगे जा कर के मिलेंगे बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही ज़्यादातर इंडिकेट कर रही है कि यू विल मीट दैम इन द फ्यूचर ओके बट थिंग इज़ ये कि नाइन ऑफ सोर्स आप परेशान बहुत हो इसको लेकर के यू आर रियली वीड फॉर दिस पर्सन कि ये कौन है ठीक है एटोवेंस मतलब की एनर्जी है कि यू वन देम राइट नाउ आपको ये भी चाहिए है नो मैटर व्हाट ठीक है और इस कनेक्शन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मतलब तो इस एनर्जी में मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि जो आपकी एनर्जी है ये ओवर थिंकिंग वाली इट विल डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस बिकॉज आपकी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर मेंटल पीस ही आपको आपकी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट करवाएगा जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं है ठीक है um, आपका मेंटल जो भी है सिचुएशन काफ़ी वो हिली भी है विच इज़ रियली बैड फॉर यू गाइज लेट्स यी मोर वट इज़ कम इन आप एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्स And page of pentacles. Well, पायल नंबर वन possibility है कि या तो आपको किसी ने पास में धोखा दिया है सच में ठीक है सच में आपको किसी ने धोखा दिया है यहाँ पर possibility है कि आप आ, को ऐसे लगता है कि आप जिसके साथ हो वो आपको धोखा दे देगा ठीक है या फिर आप बिल्कुल एब्सोलूट सिंगल हो मतलब बिल्कुल ही बाई बर्थ तो अभी तक आप सिंगल ही हैं और आपको ऐसे लगता है कि आए आपको ऐसे लगता है कि यू डोंट थिंक सो कि आपको ज़िंदगी में कोई भी मिलेगा दिस इज़ अ रोंग एब्सोल्यूटली रॉन्ग क्या कहते हैं थाट बिकॉज ऐसा ऑफ पैंटिकल्स की एनर्जी बोलती है कि आपको आपके लिए रखा हुआ है डिवाइन ने रखा हुआ है ठीक है पेज ऑफ पेंटिकल्स यू जस्ट नीड टू मैनिफेस्ट दैट ठीक है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बोलती है कि आप थोड़ा ख़ुद पे फोकस करें बेशक आपको लगता है कि आप ख़ुद पे फोकस करते हो लेकिन आप ख़ुद पे फोकस नहीं करते हो ठीक है जितना आप पुट इन कर रहे हो अपनी लाइफ में जितना अपने करियर को अपने लुक्स को या अपने अपने आप को आपको जितना समय देना चाहिए आप उतना नहीं देते हो यहाँ पर ऐसे है एनर्जी है कि आप एटलीस्ट ट्वेंटी टू तो थर्टी परसेंट ही ख़ुद पे आपका फोकस है बाकी आपका सारा फोकस यहाँ तो अपनी फ्रेंड्स पर है यहाँ सोशल मीडिया पर है या फिर किसी एक्स पर है या फिर आप अपने यू you नो know, फैमिली में ऐसे बस घूमते फिरते रहती हैं। और यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि आपकी अपनी बेटरमेंट क्या है आपको समय ख़ुद को देना चाहिए ख़ुद के फ़्यूचर को देना चाहिए आप ऐसी कोई फिक्र नहीं है सॉरी टू से माई हर्ज वर्ड्स आर हर्टिंग यू बट थिंग इज़ हेयर कि अब मैं नहीं बताऊँगी फिर आपको पता कैसे चलेगा ठीक है ना अक्सर हम ना वो ऑटो पायलट वो क्या अक्सर मैं ये वो जिम टर्म मैंशन करती हूँ लाइक हम ना अक्सर एक हमारा ना माइंड एक सेटअप हो जाता है एक एक प्रोसेस में एक पैटर्न में हम वही चीज़ रिपीट करे जाते हैं हमें भी पता भी नहीं चलता कि लाइक हम ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है लेकिन वो फिर वही चीज़ रिपीट हो जाती है जो हम करते हैं वही वही हर रोज़ फिर हमारा वही रूटीन बन जाता है और फिर हम अपनी कॉन्शियस से दूर हो जाते हैं कि हमें यह करना था लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं हमारा कॉन्शियस भी हमें बताना बंद कर देता है कि ये मत करो ठीक है ना एक टाइम ऐसा आता है तो दैट्स हाउ आई एम हियर टू टेल यू गाइस के अकल पकड़े थोड़ी सी राइट ओके गाइस मून एनर्जी योर वेडिंग प्रडिक्शन मून एनर्जी and the page of pentacles moon energy queen of cups mm, you are a such a lovable person very lovely person i think jo insaan aapke liye likha hai woh intehai intehai lucky hai hoga और वो उसको ऐसे लगेगा भी कि मैं बहुत लकी हूँ ठीक है यहाँ पे मून है you are absolutely goddess of the moon कि जिसको मैंने जो कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है अभी तक सिर्फ आपने अपनी पावर में टैप इन ही नहीं किया हंड्रेड परसेंट जो मैं आपको पहले बोल रही हूँ खुद पे फोकस नहीं है जिस दिन आपने ख़ुद पे फोकस कर लिया उसी दिन पेज पेज, पेज बहुत दोनों यू नो बहुत पेजेस आ रहे हैं आर्टिकल्स की और कप्स की जो कि ये इंडिकेट करता है कि जिस दिन आपने ख़ुद पे फोकस कर लिया यू आर गोइंग टू रियली लिटरली जिसे कहते हैं ना हम चक फटे वाला है साहब दैट इज़ हैपन ओके तो आप अपनी जिंदगी के आप अपने जीवन लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो जबकि आप इम्पोर्टेंस औरों को देते हो दैट इज़ नॉट राइट थिंग ओके सो यू आर मुझे ऐसा दिखता है कि आई डोंट थिंक सो कि मैरिज से आपके लाइफ में फ़र्क पड़ेगा मतलब फ़र्क तो पड़ेगा बट आई थिंक जो आप ख़ुद हो जो मुझे यहाँ आपकी एनर्जी दिख रही है वो खुद की आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि इतनी पावरफुल है कि आप खुद अपना जीवन पहली बात है बदल सकते हो दैट इज़ नॉट मच फार ओके यू सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज से कमी हो आप खुद की क्वीन हो आपको पहली बात है क्वीन बनने के लिए कोई सी किंग की ज़रूरत नहीं है पाए नंबर यू आर क्वीन इन योर सेल्फ दिस इज़ अ सेकेंड क्वीन फर्स्ट क्वीन सेकेंड क्वीन ओके तो मैं अब ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको को किंग नहीं मिलेगा बट द थिंग इज य पहले आप ख़ुद की पहचान को समझो आप क्या हो ठीक है एस काज विच इज़ लाइक दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग ठीक है अच्छा यहाँ ना एक और मैसेज है आपके लिए कि जब आप अपने आप पर फोकस रखोगे ना जब ही ये पंदा या बंदी आपको मिलेगा आपकी लाइफ में आएगा बिकॉज़ uh, साफ और क्लियर बात है यहाँ पर और वो ये है कि आपको जब ही कोई मिलेगा जब आप कहीं से निकलोगे यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम अ सर्टन प्लेस यू नीड टू स्टेप अप यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम असर्टन सिचुएशन जब तक आप नहीं वहाँ से निकलोगे कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला ठीक है ना स्टार uh, कुछ लोगों के केस में जो कि अपने करियर में काफ़ी सीरियस हैं और वो कुछ बनना चाहते हैं डेफिनेटली दिस इज़ योर डेस्टिनी ठीक है आप अपने करियर पर फोकस कर सकते हो हॉली सोली होके कोई आपको नहीं रोकेगा और अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो दिस इज अ स्टार जस्ट चेक एनर्जी इन दिस कार्ड ओके और अगर कोई है यहाँ पे एक ऐसा इंसान आई थिंक दयाद अम्बाडी के जो कि जिसका गोल है आ, इंटरनेशनल फेम का ठीक है यस बेबी यू आर हेयर यू हैट द राइट प्लेस आप बिल्कुल सही समय सही दिशा में जा रहे हो और बिल्कुल सही समय है इस वक्त ये एनर्जी टाइपन करने का अपने ऊपर फोकस करने का रेट सी फ्रॉम और वट इज़ देर फॉर यू इन दैरिज प्रोटिक्शन मैरिज पाइल नंबर वाणा आपके जब ही होगी जब अपने फुल वर्जन में हो गया फुल बेस्ट वर्जन में हो गया ओके okay? um, और वो मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है ये ऐसे आम सी मैरिज आपको गॉड ने लिखी नहीं हुई है आपकी द टेम्पल पाथ देखा गॉड की तरफ से ये मैसेज है आपको ठीक है दूसरी बात है यू नीड टू प्रे एज वेल यू नीड टू प्रे यू नीड टू लाइक बी इन हाई वाइब्रेशन गॉडेस ऑफ द मून मैंने आपको पहले भी गॉडेस ऑफ मून कह चुकी हूँ एंड आपके लिए स्पेशल औरकल से भी निकल आया है ओके okay? आपको न्यू मून और फुल मून पर कोई ना कोई दान ज़रूर करना चाहिए रिचुअल करने चाहिए दूसरी बात यह कि ऑलवेज ट्राई टू बी काम ओके क्योंकि मून आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता होगा और फर्स्ट uh, और फुल मून पर बहुत इमोशनल हो जाते हो रो रोह पड़ते होगे या बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाते होगी जो ट्राई टू स्टे इन बैलेंस जिन लोगों को मून बहुत इफ़ेक्ट करता है उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते फिर उनको बड़ा नुकसान हो जाता है सो बी वेरी केयरफुल मून आपको लोगों को बहुत इफेक्ट करता है द दिंकिंग वुमेन आई थिंक आपको खुद के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो कि आप ज़रा नहीं सोच रही हो आप सब कुछ शादी और शादी या ठीक है ना कम्युनिटी अब तो अच्छा जो लोग इंट्रोवर्टेड हैं जस्ट गो आउटसाइड एज वेल बाहर भी जाओ और घूमो फिरो ओके okay, यहाँ पे जो नंबर्स इम्पोर्टेंट है दिज आर सेवन फोर्टी सेवन फिफ्टी टू ट्वेल्व थ्री सेवन इलेवन टू थ्री ठीक है ये नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ और um, मुझे ऐसा दिखता है पैर नंबर वन कि आपकी मैरिज जो है मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रही हूँ और आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनी थिंग आपकी शादी कल हो रही है पर सॉरी है आपकी शादी मुझे नहीं पता आप अपनी लाइफ के किस फेज़ में हों अभी मुझे नहीं पता ठीक है लेकिन जो फ़ेज़ मैं आपको बताने लगी हूँ उसी फेज़ में आपकी शादी होगी एंड दैट फेज़ इज़ जब आप अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आपको शादी की ज़रूरत नहीं है एब्सोल्युटली और इंडिपेंडेंट uh, हो जाओगी ठीक है तो आपकी वाइब्रेशन जब बहुत हाई होगी तभी आपको मिलेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने करना है कि भाई तब हमें क्या फ़ायदा ऐसी क्वेश्चन होते हैं मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ भाई तब क्या फ़ायदा जब हमें ज़रूरत थी तब तो हमको मिला नहीं अब हमको ज़रूरत नहीं है अब मेरे को कॉर्ड दे के कौन सा क्या कर रहे हैं मतलब मुझे नहीं चाहिए तब क्यों दे रहे हैं भाई ठीक है ना अब मैं आपको बताती हूँ क्या वजह होती है इस तरह गॉड को इस तरह करने की द थिंग इज़ कि जो भी वाइब्रेशन में आप होते हो उसी वाइब्रेशन का बंदा आपको टकरता है आगे से सीधी और साफ बात है ठीक है आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करके अपने पार्टनर को चेंज करा सकते हो ठीक है अब आप लो करोगे वाइब्रेशन तो लो वाइब्रेशन वाला मिलेगा हाई वाइब्रेशन करोगे तो हाई वाइब्रेशन वाला मिलेगा ओके अभी आपने देखा होगा अपने आसपास कितने कपल्स हैं झगड़ते हैं लड़ते हैं डिवोर्सिस हो जाती हैं मार कुटाई और क्या कुछ हो रहा होता है राइट क्यों क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी दोनों ही लोग वाइब्रेशन में थे जब एक दूसरे को मिले थे नेडी क्लिंजी मतलब चाहिए 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 शादी शादी शादी, शादी उम्र निकल चली उम्र निकल चली जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो इस चक्कर में घर वालों ने मिल जल मिला जुला कर या जिस तरह भी शादी कर करा दी थी। ठीक है वह वा, हाई वाइब्रेशन में नहीं थे अपने बेस्ट वर्जन में दोनों ही नहीं थे इसलिए दोनों की ट्यूनिंग हो गई लो वाइब्रेशन में ही मैच हो गई तो कपल बन गया ठीक है अब गॉड ऐसा नहीं चाहते आप चाहोगे ऐसा कभी ऐसा हो ऐसा मिले आपका आपको आपको बस शादी हो जाए शादी शादी बस हो जाए उसके बाद जो मर्ज़ी हो ये तो ठीक नहीं है ना तो गॉड आपके लिए चाहते हैं कि आप पहले हाई वाइब्रेशन में आओ ताकि आपकी ट्यूनिंग किसी ऐसे इंसान से कराई जाए जो कि हाई वाइब्रेशन में है ठीक है तो अब गलती कहाँ होती है डिले कहाँ होता है डिले डिले ये हो होता है कि जब हम अपनी वाइब्रेशन हाई करते करते बुढ़े हो जाते हैं खुद इसमें गॉड की कोई गलती नहीं है टाइम डिले हम खुद करते हैं ठीक है ना अच्छा आज करते हैं कल करते हैं आज करते हैं कल करते, करते, करते हैं क्या क्या के आपको स्पिरिचुअल आपके टीचर्स भी क्या करके कि वाइब्रेशन हाई कर लो कर लो कर लो हम डिले करते हैं ख़ुद उस वक्त रीडिंग सुनते हैं उस वक्त हाई हाँ वाइब्रेशन में और जैसे रीडिंग ख़त्म हुई घंटे दो बाद फिर वही फिर नीचे वाइब्रेशन में ठीक है तो जस्ट बी इन हाई वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन का क्या मतलब है नंबर वन ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल टू गॉड आपके पास जो है उस पर शुक्र मंद होना शुरू हो जाओ ठीक है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये ये है बहुत कुछ है आसपास देखो तो आपके पास आंखें हैं कान हैं जिससे रीडिंग सुन रहे हो ठीक है ना आपके हाथ में मोबाइल है या कोई और डिवाइस है जिससे उसके लिए यू हैव फैमिली यू हैव जहाँ पे आप कपड़े पहने हुए आपने ठीक है ना जो भी आपके पास फूड है जो आपने अभी खाया था थोड़ी देर पहले इस सब के लिए ग्रेटफुल हो, दिस दिस आर ऑल हाई वाइब्रेशन टेक्निक्स हाई वाइब्रेशन करने के लिए तो गॉड अक्सर अच्छा, अक्सर अच्छा इसलिए डिले करते हैं कि गॉड ये नहीं चाहते कि गलत इंसान आपके मत्थे लगे और फिर कुछ महीनों बाद आपकी लड़ाई शुरू हो जाए ठीक है तो हाँ वाइब्रेशन हाई कर लो ताकि अच्छा वाला इंसान आपको मिले और डिले क्यों है डिले इसलिए है आपकी गलती है आपने वाइब्रेशन हाई नहीं करी भी अभी तक और और डिले करो और बुढ़े हो जाओगे दस साल रखो बीस बीस साल रखो यकीन मानो यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूनिवर्स डजन केयर एट ऑल कि आप अपने साथ क्या सलूक करवाते कि, कितना डिले करवाते जितना डिले करोगे उतना डिले होता जाएगा अन करीब बुढे होकर मर जाएंगे दैट्स इट आप गॉड कहेंगे कि मैंने आपको तरीका बताया था क्या करना है आपको पता था लेकिन आपने नहीं क्या करा गलती आपकी है ठीक है सो द थिंग इज़ कि जितनी जल्दी हम अकल पकड़ लें उतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा बॉटम लाइन ओके सो ये थी सिचुएशन और राइट आगे चलते हैं बट इज़ द थिंग ये पर्सन कैसे हैं जो कि गॉड ने आपके लिए रखे हुए हैं ओके Hmm. कुछ लोगों के में पॉसिबिलिटी है फाइल नंबर वन दे कैन बी इनटू म्यूज़िक और डांस मॉडलिंग ठीक है इनकी फेवरेट कलर डार्क पर्पल पर पर या ब्लैक हो सकती है करना पसंद पर्सन दे आर एम्ब्रेस योर इमोशंस ये बंदा ना आपके इमोशंस को बड़ा रीड करने वाला होगा माइंड रीडर भी हो सकता है और बड़ा रिस्पेक्टफुल है ना आप कभी सोचने गौर करना कि जब आपकी अपनी फीलिंग्स को आप करते हो ना एक्सप्रेस तो ये बंदा बड़े गौर से सुनेगा आपकी बात फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कभी रोना आ रहा है ना तो आप इसके साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ ये बात है ठीक है एक्सप्रेसिव है मोहब्बत का इजहार करने वाला है और फोकस ऑन लव और फ्यू ऑफ यू इट कैन बी लव मैरिज पॉजिटिव थिंकर है फेथ ट्रस्ट योर सिचुएशन वेल काफ़ी पर्सन पॉसिबिलिटी है कि ये फेथफुल एक तो ये लॉयल है ठीक है और दूसरी बात है कि ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होने वाला है फॉरगिवनेस या सॉफ्ट हार्टेड टेंडर हार्टड यंग सोल और काफ़ी फॉरगिविंग है लाइक लिटरली लेटिंग गो एवरी थिंग उसको आपके पास से कोई सरोकार नहीं है कोई नहीं है आप कितने रिलेशनशिप्स में थे पहले दिस इज दिस पर्सन इज द वन जिसको आपसे मतलब है ठीक है आपके प्रेजेंट से मतलब है प्रजेंट में आपकी लॉयल्टी चाहता है सो लेट्स ही ऑफ दिस पर्सन ओके पास है जी एन एन जे जे यू पी ए डब्ल्यू एन सी टी ई एन एक्स आई वॉन्ट टू सी फ्यू चार्स फॉर यू बाई कुछ थोड़े अग्न गॉडस ऑफ मून और माई गॉड फाइल वन यू लिटरली आर दॉडेस ऑफ मून ओके चाँप में भी निकला है आपके ऑरिकल से भी निकला है आपके उधर से भी निकला है टैर से तो गॉडेस ऑफ मून का मतलब है बहुत सेंसिटिव हो आप बहुत सेंसिटिव हो ओवर थिंक कर हद के हाँ कंट्रोल योर सेल्फ किटी स्पिरिट आपकी किस्मत में एक बेबी है बहुत प्यारी सी दिस क्यूज वेल ये मैं स्किप कर दिया मैंने शिया बेबी बियर स्पिरट एंड अद बेबी एलिफेंट आपकी लाइफ में बहुत आपकी किस्मत में ना पैसा है ठीक है अगेन एलिफेंट रॉयल्टी स्पिरिट आपके स्पाउस भी काफ़ी रिच होंगे गुड न्यूज़ का मैन विद कुकू बर्ड ओके गुड न्यूजेज़ का मैन आप एंड अगेन समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट टू टॉक टू यू पैरट स्पिरिट है आई थिंक कोई आपसे बात करने की कोशिश में है और कोई आपसे बात करेगा बहुत जल्द आपको कोई मैसेज या इस तरह की कोई चीज़ रिसीव होगी ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय हाँ पाल मट टू हल योर मैरिज प्रेडिक्शन योर फुल मैरिज प्रेडिक्शन वट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स Page of Pentacles, Queen of Swords, Page of Pentacles, Your marriage protection, Two of Cups, Two of Swords. Guys, this is a master number two and two. ठीक है सो so, मुझे तो दिखता है पाल नंबर टू और आपका बाल का नंबर भी टू है कि मुझे ऐसे देखता है कि यू सम ऑफ यू यू आर ऑलरेडी विद दिस पर्सन ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद दम या फिर बहुत ही करीब है कि ये पर्सन आपको मिले बहुत 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 लिटरली नियर यू उनके एनर्जी आपके पास है ओके टू ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ कप्स इज टेलिंग मी मे बी दे आर विद यू या वो आपसे कनेक्शन में हैं बट यू आर अनेबल टू रेकग्नाइज दैम आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये कौन है या इनका ये आप इनके सीक्रेट क्रश हो सकते हो या इन्होंने भी आपको बताया नहीं ओके बिकॉज दिस एनर्जी इज़ रियली नीयर टू यू ये एनर्जी आपके बहुत आस पास है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंग चांसेस हैं इस चीज़ के ओके okay? और आपके मैरिज भी आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली नियर यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपके जो मैरिज की डेट है दैट इज़ अ फिक्सड डेट जो डिवाइन टाइमिंग की है ओके okay? वो करीब आते जा रही है बट यू हैव नो आइडिया अबाउट इट ओके पेन ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको यहाँ पे बिग इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपको तैयार रहना चाहिए

ठीक है सो पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर आपको कुछ अप आप करना है मैरिज वेडिंग डे के लिए तो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लोगों को वेट का कोई इशू हो सकता है या लुक का इशू हो सकता है बाल आपने कोई ट्रिम श्रिम कराने हैं या आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है ओके uh, ब्यूटी से रिलेटेड तो आप को शुरू कर देना चाहिए ठीक है क्योंकि आई थिंक आपको अचानक से ये मिलनी है न्यूज़ और जब ये अचानक से आपको न्यूज़ मिलेगी तो आपको बहुत वो होना है जल्दी पढ़नी है और आपको समझ नहीं आना मैं क्या करूँ अब क्या ना करूँ मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है ठीक है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके बहुत करीब है आपके सोलमेट फाइव ऑफ फाइव ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स फ़ाइव ऑफ कप्स नाइन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स पॉसिबिलिटी है कि आप, आप लोग बिल्कुल रेडी नहीं हों शादी के लिए ग्रुप नंबर टू आप या आपकी फैमिली बिल्कुल भी रेडी नहीं है और इस कनेक्शन में इस प्रॉब्लम में आप लोगों को कुछ नाइन ऑफ़ कप्स की एनर्जी में मे भी मे बी बिल्कुल ही ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि आप लोग बिल्कुल इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कि जल्दी कैसे इसको हैंडल होगा ठीक है फुल एनर्जी एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स फुल एनर्जी सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड यस यूनिवर्स काफ़ी स्ट्रांगली आपसे कनेक्शन में है और यूनिवर्स आपसे ऐसे बात कर रही है यूनिवर्स चाह रही है कि आपको इस चीज़ का पता हो कि कुछ भी कभी भी हो सकता है बट गो विद द फ्लो यहाँ पे जो फूल की एनर्जी है दैट इज़ अ गो विद द फ्लो इसको लेके आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि जी अब डेट कब होगी कब कब न्यूज़ आएगी कब न्यूज़ आएगी इस पर आपने ऑब्सेसिव नहीं होना ठीक है आप जो कि जो भी आपका काम है डेली रूटीन के आप करते जाओ लेकिन यह है कि आपको कुछ तैयारी वगैरह शुरू करनी चाहिए आई थिंक बिकॉज काफ़ी हैवी एनर्जीज हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यस किंग ऑफ पेंटिकल्स पर्सन इज नंबर टू दे आर वेली डिपेंडेबल एर इज यज यहाँ पे टॉरस केफ्रिकॉन वर्गो स्पाइसिस इन कैंसर की एनर्जी काफ़ी हाई है इस पर्सन की फेशियल फीचर्स ऐसे हैं कि शार्प जॉलाइन है पैलमटू एंड आई डोंट थिंक सो कि उनके इतने ज़्यादा फेशियल हेयर है। हैं होंगे भी तो वेरी रेयर बहुत कम यही शेव करते हैं ठीक है इनके बाल कर ली है वेवी कर ली नॉट स्ट्रेट और मुझे दूसरी के लुक्स में दिख रहा है कि इनके हाथ जो हैं दे आर बिट बिट यानी कि चबी हंडस हैं है� थोड़े से और इनके फेवरेट कलर में है ब्लैक एंड वाइट कुछ लोगों का केस में पॉसिबिलिटी है किसी फोर्सेस से हो किसी फोर्स से या यूनिफॉर्म क्योंकि मुझे दिख रहा है मे बी पायलट वगैरह का भी होते हैं यूनिफॉर्म वो भी हो सकता है कोई भी यूनिफॉर्म ये पहनते हो सकते हैं या हम अपने जो भी जॉब करते हैं वहाँ इनको स्पेसिफिक किस्म के एक ड्रेसिंग करनी पड़ती है और से उनकी कम्प्लेक्शन फेयर है फेयर फेयर मीडियम टू फेयर इतनी मीडियम भी नहीं है बट इनो मे बी फेस या हैंड्स पे थोड़ी सी टैनिंग हुई भी हो ड्यू टू सन लेकिन उनके नेक और यू नो चेस्ट और बाकी पार्ट्स क्वाइट फेयरर दैन रेस्ट ऑफ द बॉडी जो कि एक्सपोज पार्ट्स हैं उनके निस्बत फेयर हैं ओके नाइट ऑफ पेंटिकल रिगार्डिंग योर मैरिज कुछ फाइनेंसिस का मसला पड़ सकता है आपको पाए नंबर टू कितनी जल्दी अरेंजमेंट्स में सो लेट्सी नाइन ऑफ सोड्स नाइट ऑफ वैंड वह पारल नंबर टू पॉसिबिलिटी है जब आपको शादी का अपने पता चले तो आपके मिक्स्ड फीलिंग्स हो बिकॉज़ यहाँ पैशन है लेकिन यहाँ पे अगैन स्लीपलेस नाइट्स हैं या ओवर है, थिंकिंग की नाइट्स हैं तो आपके लिए पैनिक हो सकता है मुझे बहुत ही क्रेज़ी सिचुएशन दिख रही है पैनिक दिख रही है जल्दी जल्दी ठीक है आप रेडी नहीं हों सो so, अगर चीज़ें आप से नहीं हो रही है पारल नंबर वन देख लें लेकिन यहाँ पर बहुत ही हम um, कुछ लोगों के केस में तो पॉसिबिलिटी है आपकी शादी तय भी हो चुकी हुई है और आप वैसे ही देख रहे हो रीडिंग चैरिटा गैन बहुत ही मोमेंटम वाले कार्ड्स हैं भाई बहुत ही एनर्जी है बहुत ही बोले तो एवरी कार्ड इज़ रनिंग फॉरवर्ड एवरी कार्ड इज़ रनिंग टुवर्ड्स फ्यूचर और फाइव नंबर टू मुझे दिखता है कि सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका डिमाइंड से और समाव आप बहुत पॉजिटिव हो समहा आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हो और आपने सीख लिया है कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है मे बी उसी की वजह है कि आप हाई वाइब्रेशन में हो और आपकी लाइफ में इतना अच्छे खुशियों भरे दिन आ रहे हैं ऑफ सब वैंस दिस इज़ अ न्यू न्यू पर्सन न्यू पैशन न्यू कनेक्शन क्वीन ऑफ कप्स बैज़ कुछ लोगों के केस में आई थिंक यू वांट टू कट योर हेयर अपनी कटिंग करवाना चाहती हो हेयर की बालों की बट मतलब जो लोग ज़्यादा शॉर्ट करवाना चाहते हैं डोंट थिंक सो आपको करवानी चाहिए थ्रिमिंग की हाथ तक ठीक है बट डोंट कट वेरी शॉर्ट क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट होगा <laughs> किसी चीज़ को भी ले करके तो ये टॉज तो अ चैनल मैसेज ट्रिम करवा लो लेकिन बहुत शॉर्ट ना करवाना अगर आपके माइंड में था ये ऐसा न्यू जॉब इज़ आल्सो कमिंग न्यू जॉब इज कमिंग विद द स्टार एनर्जी ये सबके डेस्टिनी में एक नई जॉब भी हो सकती है एक नई इनकम सोर्स एम्पायर फाइनली आ ही गए आपके पर्सन एरीज एनर्जी है एक्शन ओरिएंटेड, थोड़े से इनमें थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलन फेशियल फीचर्स हैं इनके मैस्कुलन लुक है अगेन यहाँ पे सीइंग सम ऑफिसर सम यूनिफॉर्म पर्सन और मैं भी कुछ लोगों के केस में इनके बाल थोड़े से लंबे भी हों या ये पोनी या पीछे से कुछ इस तरह से बांधते हों और मुझे दिखता है कि इसकी बॉडी मस्कुलर है उनकी हाइट भी ठीक ठाक हाइट है इनकी इतनी छोटी नहीं है और इनको बेल्ट्स लेदर का बहुत शौक है लेदर की चीज़ें यूज़ करने का मैं भी आर्टिफिशियल हो लेकिन लेदर होना चाहिए लाजमी नहीं है कि रियल लेदर हो क्योंकि अक्सर लोग इसको प्रेफर नहीं करते फॉर द सेक ऑफ द लव ऑफ एनिमल्स सो बट इनको पसंद है यू you नो know, आर्टिफिशियल हो चाहे लेदर लेकिन लेदर होना चाहिए और um, उनका वैलेट इनकी कपड़े इनके जैकेट्स में आपके बूट्स में काफी आपको लेदर नजर आएगा ओके अगेन मूवमेंट पायल नंबर टू आपकी बहुत मोमेंटम बहुत मूवमेंट नजर आ रही है मुझे यू नीड टू क्लेम दिस मोमेंटम यू नीड टू क्लेम दिस मोमेंट बिकॉज लाइफ में जो मुझे दिख रहा है ना वो आपको नहीं दिख रहा कितना ज़्यादा मोमेंटम आई थिंक आपने रिसेंटली ना अपनी वाइब्रेशन हाई करी हैं हाई वाइब्रेशन करने का सबसे मेन तरीका है यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ राइट नाउ आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल हो अगर आप गोड के उसमें तो फिर गॉड डेफिनेटली आपको और रीजन्स देता है टू बी ग्रेटफुल फॉर कि आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो ओके बहुत बड़ा जिस कह लो ना टूना कह लो <laughs> एक ट्रिक कह लो या रिचुअल कह लो ठीक है ये हंड्रेड परसेंट वर्क करता है ठीक है आप एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो गॉड के गॉड आपको अगले दिन तीन चीज़ें दी होंगी और क्या आप इसके लिए भी ग्रेटफुल हो फिर आप उसके लिए करोगे फिर आप अगले दिन आपके पास छः होंगे अब आप छः चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो गए फिर आपको अगले दिन दस बारह चौदह पंद्रह बीस सौ दो सौ ठीक है बट इफ़ यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि भी मेरे पास ये नहीं है फॉर एग्जांपल आपको गॉड ने आज राइस खाने को दिए हैं तो यू आर लाइक नो मुझको तो कुछ और खाना था मेरे को तो भटूरे खाने थे मेरे को तो ये क्या है अगले दिन आपके पास वो भी नहीं होगा राइस भी छीन लिए जाएंगे ठीक है तो डोंट बी लाइक दैट ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेरेंट्स हैं डोंट बी लाइक इन नो ही मेरे को तो हस्बैंड चाहिए ठीक है ऐसे नहीं है गॉड आपसे पुरानी चीज़ भी छीन लेते हैं फिर ठीक है इट्स ऑलवेज भी वेरी ग्रेटफुल ये है वाइब्रेशन बढ़ाने की टेक्निक सबसे बड़ी सो या जजमेंट ये सारी रीडिंग जो बोली है ना मैंने जजमेंट कार्ड ने आके इसकी जजमेंट सुना दिया एंड दैट इज की इट वॉज़ फ्रॉम गॉड इट वॉज गॉड टॉकिंग टू यू दिस वॉज गॉड्स मैसेज ठीक है मून यस अगेन दिस वॉज अ साइकिक रीडिंग सैकिक इंटेशन इट ऑफ पेंटिकल अच्छा देखो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जॉब वगैरह करते हों ठीक है और आप लोग करियर ओरिएंटेड हो अब इस चक्कर में कि शादी हो रही है आपने उस चीज़ को नहीं भूल जाना ठीक है यू शुड कंटिन्यू योर करियर एट ऑफ कप्स डबल एट कुछ लोग एटी एट ईयर में हो सकता है बॉर्न हुए 88, so, में हो एटी एट ठीक है सो यहाँ एटीज़ में एटी नाइन एटी सेवन सिक्स या नाइन्टी एट आपका ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है पर हाल एट आता है कहीं आपकी बर्थ डेट में या बर्थ मंथ में या ईयर में आपके लिए स्पेसिफिक रीडिंग है स्पेशली जिन्होंने आज पर्पल कलर के कपड़े पहने हैं पर्पल और ब्लैक या ब्लू सिक्स ऑफ कप्स आप किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हो या हो सकता है आपकी शादी वाले दिन आपकी कोई बहुत पुरानी फ्रेंड या फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड या जो बहुत अरसा से मिली नहीं थी उनका विजिट हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन दिस इज न्यू कम्युनिकेशन एंड सेवन ऑफ कप्स व्हिच इज़ लाइक ओप्स लॉर्ड ऑफ गैदरिंग मैं बहुत सारी गैदरिंग देख रही हूँ फाइल नंबर टू आपके घर में आपके रिलेटिव्स की या बहुत सारे ऐसे लोगों की जो जिनको में भी आप बहुत अच्छे से नहीं मिले लेट सी वट इज़ दे फ्रॉम दूनिट टू हैव फेथ ओके ये सारा जो मैसेज था इस पे यू नीड टू हैव फेथ और ट्रस्ट योर इंटन ट्रस्ट द प्रोसेस ट्रस्ट गॉड डू समथिंग फॉर समथिंग गिव योर अटेंशन टू वन एन अदर वार्ला नंबर टू ये पर्सन जो भी गॉड आपको देने वाले हैं आपको ग्रेटफुल रहना है ठीक है और इनको अटेंशन देनी है इनको इग्नोर नहीं करना आपने क्योंकि okay, कुछ लोग हैं यहाँ पर आप लोग इग्नोर करते हो फिर अगला भाग जाता है ठीक <laughs> है सो so, यहाँ yeah, काम यहाँ नहीं करना बिकॉज ये दिस इज़ योर लाइफ पार्टनर नाट आम बंदा ओ दिस वॉज अ स्परिचुअल कनेक्शन ये कनेक्शन इट विल गो बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम आपके सोलमेट हो सकते हैं हाई लेवल The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. वह well, हो सकता है आप प्यार करना भूल गए थे या आपने सोचा था मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी प्यार नहीं मिलेगा दोबारा मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊँगी या लोग फ्रॉड होते हैं लोग ऐसे ही होते हैं ठीक है इस जजमेंट को निकालें अपने माइंड से एंड शिफ्ट यूर फोकस बैक टू लव यहाँ पर आपको मैसेज है ओके क्योंकि गॉड अब जब आपको रियल लव दे रहे हैं ट्रू लव दे रहे हैं तो अब ले लो ठीक <laughs> है दोबारा से नेगेटिव थिंकिंग तो ये एनर्जी भी निकल जाएगी बी सपोर्टिव आप दोनों को ही एक दूसरे का सपोर्ट करना है सारी जिंदगी दिस इज अ लाइफ टाइम कनेक्शन यूनियन ऑफ हार्ट्स दिलों का मिलना भाई मुझे पता है सोल कनेक्शन है दिस इज़ अ ट्रू लव ओ माय गॉड दिस इज अ ट्रू लव बहुत ही हाई वाइब्रेशन है फाइल नंबर टू बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन है इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकोगगनाइज द नीड फॉर द चेंज आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है चेंज है ये ठीक है एक्सेप्ट एंड मैनिफेस्ट दिस चेंज और क्लेम दिस चेंज और घबराना नहीं है अपने परेशान नहीं होना ओके बिकॉज एवरीथिंग वुड हैपन सडनली जस्ट होल्ड योर नब्स आराम से ध्यान से ओके लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ यू आर गॉडे योर क्वीन योर सेल्फ सो आप हैंडल कर लोगे सारी सिचुएशन को फोकस ऑन लव दूसरा मैसेज है आपका फोकस ऑन लव सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आप लोगों की हेल्प कर सकते हो कुछ भी एनी थिंग विच इज रिलेटेड टू यू आप कर सकते हो ओके okay. जैसे पुअर की हेल्प नीड़ी की हेल्प कोई दान करना कुछ आपको करना चाहिए यू नीड टू सी द नेम ऑफ़ दिस पर्सन कौन है ये ये जो अचानक ही इसने यू नो अटैक कर दिया आपकी लाइफ में आई वॉन्ट टू सी दिस नेम मनीश दिस इज आर दिस इज एम ओ And G q G a X z and L e and u uh, spirit is asking me I need to take two more letters I think gaya hai. I need to take two more letters okay B and s. ठीक है सो चांस आई वॉन्ट टू सी फॉर यू गर्ल्स थोड़े ही लोंगली में आई वॉन्ट टू टेक थोड़े से बट मेरा आइडिया हो जाए कि क्या सिचुएशन वेल दिस इज लव दिस इज लव हार्ट लव ओके एंड दिस इज अ पीस वेरी लॉयल पर्सन ठीक है वेरी लॉयल पर्सन This is kitty spirit, your baby, future baby. This is the moon card, which is like manifestation. You manifested them. Again, you have a mysterious cat I said that Somebody something would happen mysteriously. This is your true love. Missing part, twin flame, and this is the energy, devil energy. Like this person is really into your attraction. attract both of Okay. So that's it for today. I will see you next time until then take care. bye.